ये लड़की समुंदर के बीच में फंस गई थी और अब उसके पैर से खून निकलकर पानी में गिरता है और शार्क अब उस पर हमला कर रही थी और लड़की भी हार मानने वाली नहीं थी और वो फ्लेयर गन से शार्क को शूट करती है जिस वजह से शार्क दूर भाग जाती है और शार्क लगातार उस बीकन पर हमला कर रही थी। फिर लड़की भी बीकन टावर के ऊपर चली गई और वो देखती है कि पानी में कुछ तेल गिरा हुआ था, इसलिए वो उस पर फायर करती है जिस वजह से वहाँ पर आग लग जाती है और शार्क भी उस आग में फंस जाती है। लेकिन शार्क पानी में छलांग मारकर अपने आप को बचा लेती है और अब शार्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो बीकन पर अंधाधुंध हमला करने लगी जिस वजह से बीकन टूटकर पानी में गिरने लग गया और अब लड़की भी पानी के अंदर गिर जाती है। आगे की कहानी के लिए कमेंट्स पर 5-6 लिखिए।